आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जो कि हमारा थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स हम लोग की चल रही थी, आज हम बात करने वाले हैं इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी पूछा भी जाता है ये डेल्टा एच नॉट एफ। यहां पे हमारा डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। नोट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। और यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, मीन्स एट वन बार प्रेशर, एट मीन्स एट वन बार प्रेशर। एंड एफ मीन्स फॉर्मेशन। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, नोड मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस, व्हिच मीन्स एट वन बार प्रेशर, एंड एफ मीन्स फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में दो से तीन लाइन लिखने वाला हूं और वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मेजर्ड है वन बार प्रेशर, वन बार प्रेशर इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स constituent elements taken in naturally existing most stable form। ओके, ध्यान से देखेंगे एक बार। चेंज इन एंथैल्पी मेजर्ड एट वन बार प्रेशर इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टेकन इन नेचुरली एग्जिस्टिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जो मैंने टर्म अंडरलाइन करे हैं, इन टर्म का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन नंबर आ जाता है। चेंज इन एंथैल्पी मेजर्ड एट वन बार प्रेशर इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टेकन इन नेचुरली एग्जिस्टिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ओके, चलो ये तो हमारा इसके मतलब थ्योरी है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। सपोज मैंने यहां पर ले लिया डेल्टा एच नॉट एफ, बात करता हूं मैंने H2O के लिए। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखे, क्या प्रोडक्ट लिखेंगे जिसके हमें डेल्टा एच नॉट एफ कैलकुलेट करनी है। हम H2O की यहां पर बात कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है H2O। अब हम देखेंगे H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें दो एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब जो हाइड्रोजन है उसकी स्टेबल फॉर्म क्या होती है, जो नेचुरली मिलती है हम लोग को H2 गैस, और ऑक्सीजन की क्या होती है O2 गैस। हम देख सकते हैं यहां पे हमें केवल एक मोल H2O के लिए बात होती है, क्योंकि जो डेल्टा एच नॉट एफ में किसकी बात करें, केवल एक मोल के लिए, या वन मोल H2O है एक ऑक्सीजन है, बट यहां कितने हो गए दो। अब यहां पे हमारे क्या हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस।
तो ये तरीका होता है। अब मान लो कि महर्षि आए, उन्होंने क्या करा, नियम कैसे लिखने के लिए, एच टू प्लस ओ टू गिव्स टू एच टू, तो हमारी ये वाली गलत हो जाएगी। अब ये गलत क्यों हो जाएगी, हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म एच टू है, ऑक्सीजन की ओ टू है, फिर गलत क्यों हो गई, गलत इसलिए हो गई बिकॉज इन केस ऑफ डेल्टा एच नॉट है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वी ओनली कंसीडर वन मोल ऑफ प्रोडक्ट, बट यहां कितना हो गए, यहां दो मोल हो गए। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन CH4, हमने मीथेन का एग्जांपल ले लिया, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। अब तो मीथेन हमारा किस किस चीज से बना है, कार्बन से बना है और हाइड्रोजन से बना है। अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो कार्बन की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन के बाद बताइए H2। ओके, सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। अगर कोई लिखता है जी मैं ऐसे लिखूंगा, कार्बन डायमंड प्लस टू एच टू बी CH2, यहां पे क्या चेंज कर दिया, यहां पे कार्बन ग्रेफाइट था, यहां पे क्या लिखे, कार्बन डायमंड, बट ये सही नहीं है। व्हाई, बिकॉज इन द नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म द स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, सो डायमंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ डेल्टा एच नॉट एस, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू टेक द स्टेबल फॉर्म इन द नेचुरल स्टेट। अब मैं यहां पे क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हमारा इसका क्वेश्चन बनता है और कैसे हम उसे सॉल्व करना है। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे रहा, डेल्टा एच नॉट एफ फोर एन टू ओ फोर विल बी, आपका पहला ऑप्शन है एन टू प्लस आपका दूसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। आपको यहां दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट एफ फोर एन टू ओ फोर विल बी, और यहां पर मैंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको मानना है करेक्ट वाला। अब हम वापस चलेंगे, हमने तीन लाइन लिखी थी अभी पीछे, डेल्टा एच नॉट एफ इज द चेंज इन एंथैल्पी मेजर्ड एट वन बार प्रेशर इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ध्यान सुनेंगे वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस from its constant element taken in naturally existing most stable form, okay? So, sir, मैं देख रहा हूँ भाई मोल वहाँ पे, जो होशियार बच्चा होगा कि वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट देखेगा, भाई यहाँ तो वन मोल है नहीं तो टू मोल है, तो पहली बार दूसरी बार में सोचने नहीं है, eliminate कर दो उसको, यहाँ देखा यहाँ भी सेम केस है भाई, अब जो यह ऑप्शन था उसमें क्या था, बहुत बी एंड सी तो है ही नहीं, बचा क्या, यहाँ देखते वन मोल है एन टू ओ फोर की वन मोल है, ओके फाइन, नाइट्रोजन की स्टेबल फॉर्म N2 है, ऑक्सीजन की O2 है, ये भी करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होता है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं N2O4 से चेंज कर देता हूं N2O3 और आपको मैंने दे दिया अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं,
दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा एक्स नॉट एफ फॉर एन टू ओ थ्री विल बी, पहला ऑप्शन यहां पर होगा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पर आते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें क्या चीज ध्यान रखनी है।
जो डेल्टा एच नॉट होता है, डेल्टा एच होता है, वी कैन से एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें इस एक्सप्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर जाते हैं, जैसे इस वाली इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, यहां मुझे डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच क्या होता है? समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट में क्या है? एच टू डेल्टा एच एच नॉट एफ ऑफ एच टू माइनस कर लेते हैं थोड़ा, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ यहां पर डेल्टा एच हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है? H2O, तो डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट में क्या है? H2O रोटो, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2 प्लस, अब कोफिशिएंट क्या है? 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई जाएगा, हाफ ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O। अब हमने भी पढ़ा था इससे पहले कि कुछ एलिमेंट्स आपको लिखवाए थे जिसमें डेल्टा एच नॉट एफ क्या होता है? उसका जीरो होता है। तो उसमें हमने O2 का भी जीरो होता है, H2 का भी जीरो होता है। H2 का शायद मैंने लिखा नहीं होगा, H2 का भी लिख देंगे। H2 का भी क्या होता है? जीरो होता है। तो हम देख सकते हैं ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, बता दिया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O। ओके, सेम इसी तरीके से केस बन जाता है हमारे यहां पे। यहां पर तो डेल्टा एच आएगा, अगर डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CH4 माइनस डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एंड डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ हाइड्रोजन, मगर जो कार्बन का होता है वो जीरो होता है, हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। तो यहां पर डेल्टा एच क्या जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CH4। ओके, नोट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको हेल्प ही करूंगा। क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज CO2 एंड H2O आर 120-300 एंड -320 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज CO2 एंड H2O आर 120-300-320 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। आपको ग्लूकोज की कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी यहाँ पे बतानी है, मतलब आपको यहाँ पे डेल्टा एच बताना है। ओके, सबसे पहले हम ग्लूकोज की कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं, हम सभी को ये पता रहती है। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी? कंबशन ऑफ ग्लूकोज की। डेल्टा जब हमने पढ़ा, डेल्टा क्या होता है? समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट
फंक्शन ऑफ डेल्टा एच ऑफ एफ ऑफ रिएक्टेंट। ओके अब डेल्टा एच ऑफ एफ ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है हमारा, CO2 आ रहा है, तो कोफिशिएंट 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा इसका 6 एफ ऑफ CO2 ऑपरेट में शो भी है प्लस ये भी 6 है से पहले कोफिशिएंट है 6 इनटू डेल्टा एच ऑफ एफ ऑफ H2O माइनस माइनस अब रिएक्टेंट में आ जाओ डेल्टा H नॉट F ऑफ ग्लूकोज और क्या है ऑक्सीजन प्लस 6 डेल्टा H नॉट F ऑफ O2 6 से मल्टीप्लाई करो यहां कोफिशिएंट 6 है। अब CO2 की कितनी दे रखी है मैंने आपको बिल्कुल CO2 की दे रखी है आपको माइनस 300 6 into minus 300 plus H2 की कितनी दे रखी है minus 320 6 into minus 320 minus glucose की कितनी दे रखी है आपको plus 120 और O2 की हमने पढ़ी थी भाई साहब अभी O2 की क्या होगी 0 होगी तो हमने क्या कर दिया 0 लगा दिया या आपका minus 1800 minus 1920 माइनस 120 इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 3840 किलो जूल पर मोल। ओके तो ये हमारा क्या आया डेल्टा एच दैट मींस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज -340 किलोजूल पर मोल। तो ये तरीका हम इसको कैसे कैलकुलेट किया हमने यहां पे मगर एक मजे की बात मैं आपको यहां पे बता दूं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछी है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। सपोज आपको एग्जांपल दे दिए जिसमें से आपको क्वेश्चन दे दिया जिसमें से आपके तीन ऑप्शन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आंसर क्या मेरा नेगेटिव वाला आपको वहां कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको केस दिया हुआ है फ्लोरीन और नाइट्रोजन का ध्यान से सुनेंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन बस फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन का कंबशन क्या होता है एंडोथर्मिक होता है बात मतलब बस फ्लोरीन और नाइट्रोजन के केस में वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी बाकी सभी केसेस में कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। तो ये नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट खास बात तो आज के लेक्चर की हमारी खास बात क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप ऑप्शन देख के इजीली एलिमिनेशन कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा होना चाहिए कौन सा ऑप्शन मेरा नहीं होना चाहिए। ओके सो दिस वाज आवर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। अगर आपको इसमें थोड़ा बॉन्ड एनर्जी का कांसेप्ट दे देता है क्वेश्चन में तो ध्यान रखना बस एक माइनस का चेंज आएगा या हमने क्या किया डेल्टा की कॉस्ट टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बॉन्ड एनर्जी केस में क्या हो जाएगा आपको पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी तो आप उसका अकॉर्डिंग क्या करेंगे वहां पर रिएक्टेंट यहां आएगा प्रोडक्ट यहां पर आएगा दैट मींस बॉन्ड एनर्जी के केस में डेल्टा इज इक्वल टू द डेल्टा इज इक्वल टू द हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे यहां पे क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी में क्या हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके सो प्लीज नोट इट डाउन एंड फॉर एनी क्वेरीज और डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो एंड फॉर मोर टॉपिक्स टू डिस्कस प्लीज mentioned in the comment. Thank you for watching the video.